इस बार 8 अप्रैल 2024 को पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा। साथ ही इस ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। ज्योतिष आचार्य के अनुसार खास बात तो यह है कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग 54 साल के बाद लगने जा रहा है, जिससे कुछ राशियों के जातकों पर खास असर होगा। जानिए ज्योतिष आचार्य से सब कुछ। देखिए, वर्ष 2024 का यह पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि यह जो सूर्य ग्रहण है यह भारत में दृश्य नहीं है, यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यह सूर्य ग्रहण या इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक पातक है वह भारत में मान्य नहीं रहेगा। दूसरी खास बात इसमें यह है कि यह जिस योग में यह सूर्य ग्रहण बनने जा रहा है यह लगभग 54 साल बाद ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, क्योंकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा है। इसलिए भारत में इसका किसी प्रकार से सूतक पातक तो मान्य नहीं है, लेकिन ग्रहण विभिन्न राशियों के ऊपर अपना असर डालते हैं। तो जब अपना असर डालते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि किन राशियों के लिए यह जो ग्रहण है यह विशेष रूप से शुभ फल देने वाला है, इस बात पर जरूर हम विचार कर सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण शुभ है। किसी नए कार्य को यदि वह प्रारंभ करने जाएंगे तो निश्चित ही उनका कार्य सफल होगा, और नौकरी कर रहे जो लोग हैं उन सभी लोगों को अपने अधिकारी वर्ग का जो है वह पूर्ण लाभ उनको प्राप्त होने जा रहा है। इसी प्रकार वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण शुभ फल देने वाला है। उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, मित्रों से मुलाकात हो सकती है, और उनके जो जीवन साथी, उनके जो धर्म पत्नी है उनके साथ उनको सुखद समय व्यतीत करने का समय भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार मकर राशि के जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण जो है वह बिल्कुल लाभकारी है। इन्वेस्टमेंट वे करेंगे, लाभ उनको प्राप्त होगा, परिवार के साथ उनको सौहार्दपूर्ण समय व्यतीत करने का समय प्राप्त होगा, और उनकी आय में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं।